हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू एजेंट स्टडी अटारी ऐप पर। आज अपनी जो क्लास है मुगल काल की तीसरी क्लास होगी। कल वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेशल पढ़ा था, शाहजहां के बारे में पढ़ा था, ताजमहल पढ़ा था, उसका प्यार मुमताज महल पढ़ा था, कुछ हम लोगों ने कचरा के बारे में भी जाना था। भाई कल का टॉपिक कल खत्म हो गया, आज नया टॉपिक है, इसलिए कोई भी कचरा की बात नहीं छेड़ेगा। तो औरंगजेब की बात करेंगे। 1458 से 1707 तक ये राजा रहता है। जल्दी से लाइव आइए मेरे बच्चों, जल्दी कीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सौरभ, विकास, वैशाली, रवीना, धीरज, विकास मातवा, राजेंद्र, और ये कौन है भैया? टेबल ऑफ द किंग। अच्छा, किंग ऑफ द टेबल होता है भाई, टेबल ऑफ द किंग नहीं होता। चलिए आप पढ़ते हैं। कौन करेंगे और ये कचरा वाला टॉपिक अभी तक हटा है? कल वाली क्लास का ही बोर्ड ले लिया क्या हमने? चलिए आज की क्लास औरंगजेब। औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? सबसे पहली बात, इसका जो वास्तविक नाम था या ओरिजिनल नाम जो था वो आलमगीर था, यानी औरंगजेब इसका क्या था? ओरिजिनल नेम नहीं था आलम, ये मीर नहीं यार, गीर है। ओरिजिनल नाम जो था वो क्या था आपका? आलमगीर। ये अंतिम शासक नहीं कह सकते, पर अंतिम पावरफुल लीडर कह सकते हैं कि मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था आपका? औरंगजेब। अंतिम शक्तिशाली शासक भाई, जब भी बाबर भारत आया तो बाबर पावरफुल था, तभी तो यहाँ अपने मुगल साम्राज्य की नींव रख पाया। बाबर के बाद हुमायूं थोड़ा कमजोर आया, पर ठीक ठाक था, उसने वापस से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसका बेटा अकबर बहुत ज्यादा पावरफुल, फिर शाहजहां और जहांगीर को जो है विरासत में मिल गए थे कुछ कुछ, तो कुछ लोग उन लोगों ने जीता भी था। उसके बाद जो औरंगजेब है अपने बाप शाहजहां को कैद कर लेता है, राजा बन जाता है, भाइयों को मार देता है, ऐसे करके बनता है। और ये पावरफुल तो था ही, पर ये अंतिम था, लास्ट पावरफुल लीडर है। इसके बाद जो भी राजा बने वो या तो अयोग्य थे, डरपोक किस्म के थे, रंगरलिया वाले राजा थे। चलिए हाँ, इसका वास्तविक नाम आलमगीर था। वैशाली इसका वास्तविक नाम, यानी ओरिजिनल नाम इसका औरंगजेब नहीं था, औरंगजेब नाम नहीं था। जैसे अगर आप राजस्थान से हैं तो भाई मैं अपनी बात करूं तो मेरा सही नाम अजय शर्मा है, पर गांव के हर एक मोहल्ले के हिसाब से मेरा आदरणीय नाम भी है। भाई अगर मैं मेरे ही गांव वालों की बात करूं तो अधिकतर तो मुझे कहीं भी अगर मिलते हैं तो यही बोलते हैं, कोई अजय शर्मा नहीं बोलता भाई, ठीक है ना? बोलो क्या बोल रहे हैं? और अज्जू अरे क्या हाल है, ये जान रहे हैं क्या ही कह रहे हैं? ये सब मतलब जो निकनेम होते हैं ना उसी तरह से है औरंगजेब और आलमगीर। आलमगीर इसका क्या था? ओरिजिनल नाम था। और आपका जो था औरंगजेब का इसका जो हम लोग नाम जानते हैं, ठीक है? हाँ भाई, इसका जो क्या हुआ था, इसका राज्याभिषेक दो बार हुआ। इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक दो बार हुआ, दो बार हुआ। और ऐसा करने वाला ये क्या था? एकमात्र मुगल सम्राट, एकमात्र
एक मिनट, ठीक है, मुगल सम्राट, चलिए लिख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। आज हम लोग पूरा उनसे पढ़ेंगे आराम से। फर्स्ट क्लास हालांकि मैं मानता हूँ 1 घंटे की थी, उसमें मैंने बाबर, हुमायूं और अकबर तीनों जहांगीर भी करवा दिया था भाई। शाहजहां पहली क्लास में हुआ है, आज क्लास में औरंगजेब होगा। अब कुछ बच्चे जो है वो बोलते हैं कि भाई सर आप जो क्लास ले रहे हो वो मतलब साझा भाई क्लास को देखकर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप 11-11 मिनट की 12-12 मिनट की क्लास लेते हो, ज्यादा बड़ी तो लेते ही नहीं। हम ऐप पे कोर्स भी ज्वाइन करें भाई, 11-12 मिनट की क्लास, सारी क्लास 11-12 मिनट की नहीं होती, पर हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको अगर ज्यादा लंबा खींच के पढ़ाओ तो भाई आप लोग खुद बोर हो जाओ। इसलिए इसको जितना जल्दी धीरे धीरे करो, पर कंटेंट ज्यादा पढ़ाऊ उस टाइम कम टाइम में बहुत अच्छा है। अब औरंगजेब बहुत बड़ा है पर मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना जहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए तो इसने क्या किया था, जजिया पर दुमार लगा दिया था, जजिया पर दोबारा लगाया, दोबारा लागू कर दिया, जजिया का क्या होता है देखो, एक टैक्स है और ये क्या है, रिलीजियस टैक्स, या इसको धार्मिक कर कह सकते हैं, ये केवल हिंदुओं पर लगता था, या गैर मुस्लिम कह सकते हो, जो मुसलमान नहीं है उसके अलावा जो भी धर्म वाले हैं उन पे सब पे टैक्स लगता था। अगर कोई तीर्थ स्थान की यात्रा करने जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो उसको ये टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, इसने जजिया को दोबारा लगाया, अकबर ने हटा दिया था। इसके बाद इसने कुछ चीजों पे क्या किया, बैन किया था, प्रतिबंध किया था। इसने सबसे पहले प्रतिबंध जो किया, अलग अलग कलर से लिख देता, इसने प्रतिबंध क्या किया था, नाचने पर, इसने नाचने पर प्रतिबंध कर दिया कि भाई अब आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बना नहीं सकते, वो असली लड़के नहीं कर सकते, आप कितनी ही सुंदर हैं, ये लड़कियों से थोड़ी ज्यादा नफरत करता था, आप कितनी ही सुंदर है, भले ही आप मेरी माँ मुमताज महल से भी ज्यादा सुंदर है, इसका कहना था मेरा नहीं है, मेरी माँ तो ललिता देवी है, तो कितनी ही सुंदर हो, मेरे बाप ने ताजमहल बनवाया पर मैं ताजमहल नहीं बनवाऊंगा, मैं पहुंचा दूंगा, हाँ ताजमहल में मुमताज महल का क्या है आपका मकबरा। राखी पूछ रही है ओरिजिनल नाम क्या था, तो ओरिजिनल नाम था उसका अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो, ये आपके साझा की बीवी मुमताज महल का ओरिजिनल नेम था या वास्तविक के नाम कह सकते हो आप इसको। हाँ तो प्रतिबंध इसने नाचने पर लगा दिया, गायन में लगा दिए हैं आप, यो रोहानी सिंह ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, चलते फिरते मतलब रोहानी सिंह ही नहीं भाई, कोई का भी नहीं कर सकते आप। और इसने कला चित्रकारी भी बंद कर दी, कला और चित्रकारी पर भी बैन लगा दिया कि आप चित्रकारी भी नहीं कर सकते, यानी आप पेंटिंग नहीं कर सकते। और भी इसने बहुत कुछ किया था, कला चित्रकारी पे बैन कर दिया, नाचने गाने पे कर दिया, एक आपका जो है शराब जो है इसने बहुत अच्छा काम किया भाई, ये काम मेरे को सबसे अच्छा लगा, शराब पे बैन कर दिया और झरों का दर्शन पे बैन कर दिया, झरों का दर्शन बैन कर दिया इतनी सारी चीजों पे। महादेव भक्त, हाँ महादेव भक्त पूछ रहे हैं कि सर झरोखा दर्शन क्या है, तो भाई झरोखा दर्शन आपको
अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तभी आप पूछ रहे हैं, पर बता देता हूँ झरोखा दर्शन जो है वो स्टार्ट किसने किया था, वो जहांगीर ने स्टार्ट किया था यानी सलीम बाबा ने स्टार्ट किया था। और क्या होता है झरोखा दर्शन, कि झरोखा दर्शन होता है कि नाम से स्पष्ट है दर्शन, तो राजा के दर्शन और झरोके से करना, झरोके में आके राजा से बात मिलाता था सलमान खान शाहरुख खान से, हेलो मैं आ गया, मेरे को हाँ सलमान खान शाहरुख खान नई मूवी लॉन्च होती है तब जाते हैं अपने घर के झरोके में, या फिर कोई उनका बर्थडे वगैरह होता है, कोई सेलिब्रेशन वगैरह होता है तब जाते हैं हम ऐसे हाथ उठाते हैं। जहांगीर ने क्या किया कि भाई सलीम जी थे बड़े प्रेमी आदमी थे, नाती से प्यार वगैरह करते थे, तो बोले कि झरोके में जाऊंगा और ऐसी जनता से मिलूंगा, हेलो करूंगा, ठीक है कर लो। इसने क्या किया झरोखा दर्शन बंद कर दिया, चलिए अब क्या हुआ, इसको पावरफुल राजा तो कहा जाता है, झरोखा दर्शन इसने बंद कर दिया, इसने नहीं है मालिक ले पर बता देता हूं जजिया कर को दोबारा हो गया, जजिया एक धार्मिक कर है, प्रतिबंध किस किस चीज पर क्या नाचने पर गाने पर कला और चित्रकारी पर किया, झरोखा दर्शन पर किया, शराब पर कर दिया, ऐसा इसने प्रतिबंध कर दिया या बैन कर दिया चीजों पर। इसके बाद जो है इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है कि औरंगजेब जो है वो इतना पावरफुल शासक था कि सबसे बड़ा बड़ा एरिया जो है क्षेत्रफल मुगल काल का या मुगल साम्राज्य का इसी के टाइम पर हुआ था, यानी जब ये राजा था तब भारत का सबसे बड़ा भूभाग इसने जीत रखा था, सबसे बड़े भूभाग का ये क्या था प्राइम मिनिस्टर था यानी किंग था, ठीक लार्जेस्ट आर्मी थी, सबसे बड़ी सेना इसके पास थी, पावरफुल तो तभी होता है ना जब जिसके पास आर्मी सबसे पावरफुल हो, तो इसके पास क्या थी आर्मी भी बहुत पावरफुल थी, इसका शासन काल भी बहुत पावरफुल था। अब हम लोगों ने एक चीज शाहजहां में पढ़ी थी, शाहजहां के टाइम पर कितने सूबे थे 18 सूबे थे, और इसका क्षेत्रफल जब बढ़ा हो गया तो सूबे भी बढ़े, तो लगभग 22 सूबे थे इसके टाइम में, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है 22 सूबे हुआ करते थे इसके टाइम पर, ठीक है भाई क्षेत्रफल बढ़ेगा सूबे भी बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अशोक जी गहलोत जो पुराने मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं अभी तो भजन लाल जी शर्मा है, तो उन्होंने क्या किया था कि बोले राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बनने के बावजूद इसके अंदर जिलों की संख्या कम है और मांग ज्यादा है, भाई नीम का खाना जो है और भी कई एरिया थे जो ऐसा बोल रहे थे कि हमें जिला घोषित करो, उन्होंने 50 जिले बना दिए, भाई कहां 33 हुआ करते थे और कहां उन्होंने 50 जिले बना दिए, ये मुख्यमंत्री जी ने क्या क्यों किया, बोले कि क्षेत्रफल बड़ा है तो उसको सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या हुआ 50 जिले बना, भाई अगर 33 जिले हैं तो उनके पास बड़ा बड़ा एरिया है सबके पास, अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते भाई, ना आईएएस आईपीएस वगैरह है, ना तो पुलिस व्यवस्था अच्छे से बैठ पाती है, ना और कुछ हो पाता है, प्लस में विधायक आपके पास कितने हैं 200 विधायक है राजस्थान में, विधानसभा की सीटें कितनी है 200, भाई इतना बड़ा जो एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने नेता तो 200 बना रखे, पुलिस भी आपके पास है, तो क्यों ना हम लोग इस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, जो जितने ज्यादा बड़े हैं उनको, सभी को नहीं तोड़ा है जो ज्यादा बड़े हैं उनको, और सीकर वो संभाग भी बना दिए, तो छोड़ो इन बातों को, पर जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा भाई उसको उतने क्या है उतने टुकड़ों में बांटते हैं, तो ठीक है हर चीज टुकड़ों में टूटी हुई मुझे अच्छी लगती है और जेब की बात है।
पर मेरी बात यह है कि चाहे आप जिले कितने ही बना दो, कितने ही टुकड़ों में तोड़ दो, मुझे भारत अखंड पसंद है, अखंड भारत। ठीक है, चलिए अब इसके टाइम पर क्या हुआ था, सबसे ज्यादा जो राजपूत थे, सबसे ज्यादा राजपूतों को आर्मी में सिलेक्ट किया जाता था, राजपूत आर्मी में भर्ती हुए। अकबर और औरंगजेब दोनों क्या करते थे, राजपूतों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और ये भी राजपूतों को अपनी आर्मी में ज्यादा से ज्यादा भर्ती करता है। और अकबर ने भी किया, दिल्ली दिल्ली ठीक है, फिर मैं बता दूंगा तो कोई मतलब फिर रहेगा ना। इसने दो राज्य जीते थे, गोलकुंडा और बीजापुर, दो राज्य इस बंदे ने जीते थे। ठीक है, दो राज्य जो है गोलकुंडा और बीजापुर इसने जीते थे। गोलकुंडा आपका अगर तो पूछ ले कहाँ है, हालांकि पूछता नहीं है पर फिर भी लोकेशन ध्यान होनी चाहिए कि आपका हैदराबाद में है या तेलंगाना राज्य में, और आपका बीजापुर जो है कर्नाटक में है। ठीक है, ये आपके दोनों राज्य इसमें जीते थे। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, तो बेटे ने क्या किया था, बेटे अकबर ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, मेरा बाप अच्छा नहीं है, मेरे बाप को हटाओ, मुझे राजा बनाओ, तो विद्रोह कर दिया। ठीक है, और मराठाओं के साथ मिलकर इसने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो जब इसने विद्रोह किया तो विद्रोह दबाने के लिए अकबर खुद कहां गया था, सॉरी औरंगजेब या आलमगीर, औरंगजेब कहां गया था, दक्कन गया। क्यों गया, अकबर के विद्रोह को दबाने के लिए, अकबर के विद्रोह को दबाने के लिए। मृत्यु वही हो जाती है औरंगजेब की, और मारते कौन है, मराठा हुआ, मराठा हुआ, यहां मृत्यु इसके काम लो, हत्या लिख लो, इसकी हत्या किसने कर दी थी, मराठाओं द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, लिख लो जल्दी से। यह आपका क्या था, एक बेहतरीन वीणावादक था, बेहतरीन वीणावादक। वीणा बहुत मस्त हो जाता था, शानदार की उम्र। हाँ हाँ वैसा भी बात करेंगे, क्लास के बाद बात करेंगे, अभी एक बार औरंगजेब कंप्लीट होने दो, आप औरंगजेब कंप्लीट होते मैं बात ही कर लूंगा। ठीक है, तो इसने और क्या किया इसके काल में, इन नवे गुरु नाइन सिख गुरु
तेग बहादुर जी। मतलब देखो इज्जत तो सभी को मिली थी, क्योंकि हत्या भी इसी ने करवाई थी, इसने ही करवाई थी भाई। तो नाइन्थ गुरु जो थे आपके तेग बहादुर जी, उनकी हत्या भी औरंगजेब ने करवाई। अब वास्तुकला की अगर बात करूं, इसका तो इतना ही था। ये एक चीज और लिख लें, क्रूर शासक था, क्रूर शासक था, प्लस में हिंदू विरोधी शासक था, हिंदू विरोधी शासक था। ठीक है, और इसकी हालत किसने की थी, बहुत बुरी हालत कर दी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जब रात को कहते हैं हवा का झोंका भी कई बार आता था, तो इसको इतना डर लगता था कि ये झरोखे के पास, खिड़की के पास, और इसने तो शायद अपने कमरों के अंदर खिड़कियां भी नहीं रखी होंगी, और सिपाही खड़े करता था भाई ये अपने कमरे में। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी इसकी, इतना डर था इसके मन में कब शिवाजी महाराज आएंगे और कब गला काट कर ले जाएंगे। तो डरता था, बहुत ज्यादा डरता था। क्यों ना डरे भाई, वो स्वराज खड़ा करने चले थे, बीच में आएगा तो जाएगा। वास्तुकला की अगर बात करूं मैं भाई, क्या क्या बनवाया है इसने, राजा इतना ही बुरा हो कुछ तो अच्छा कर ही जाता है। इसने बनवाया है भाई, लिख लो, बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद पाकिस्तान। ये क्या है भाई, आप बोलोगे सर पाकिस्तान की चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई इस बेचारे को नहीं पता था कि आगे अंग्रेज आ जाएंगे, भारत का विभाजन हो जाएगा, बांग्लादेश अलग बन जाएगा, और यहाँ कट के अलग से आपका जो पाकिस्तान बन जाएगा, भारत के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। इसलिए इसमें तो भारत समझ के बनवाई थी, पाकिस्तान वाले लेंगे। नहीं, अपना ही बेटा है पाकिस्तान, इसको कुछ तो थोड़ा बहुत दे, नाराज हो जाएगा ना कि पापा ने कुछ अच्छा नहीं दिया। और इसको एक और चीज ध्यान रखना, बादशाही मस्जिद है, इसको पाकिस्तान की जामा मस्जिद कहते हैं, पाकिस्तान की जामा मस्जिद कहते हैं। पाकिस्तान की जामा मस्जिद जिसे कहा जाता है, तो आपको बादशाह मस्जिद का नाम पता होना चाहिए। हाँ जी, अब एक जो है बीबी का मकबरा, सीधी सी बात है, बीबी का मकबरा इसका मतलब इसकी बीबी का मकबरा होगा। इसकी बीबी जो थी उसका था दिलरस बानो बेगम नाम, दिलरस बानो बेगम। और ये बनाया किसने था, बीबी का मकबरा ये आजम शाह ने बनाया था, आजम शाह ने बनवाया था। अब आप बोलोगे से आजम शाह ने बनवाया था तो आप औरंगजेब में क्यों पढ़ा रहे हो, ये औरंगजेब का बेटा था, और
रंग जैन का बेटा था इसमें। तो औरंगजेब का बेटा कौन था? अर्जुन था। इसने अपनी माँ की याद में नीदरज बानो बेगम की याद में क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था। तो पूछ ले कहाँ है? तो भाई औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, लिखो ये इतना जल्दी से लिख लो भाई। अब एक चीज और, दक्षिण का ताजमहल अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत का ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल, सबसे पहली बार ताजमहल किसके लिए बना था? मुमताज महल के लिए बना था। मुमताज कौन थी? मुमताज आपकी जो थी औरंगजेब के बाप शाहजहां की बीवी थी, उसने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाया। तो इसने अपनी बीवी की याद में, या जो बीवी का मकबरा बना था आजम शाह ने बनाया था इसके बेटे ने, उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल, बीवी का मकबरा। ठीक है, औरंगजेब का खुद का मकबरा कहाँ है? तो कोई पूछ ले औरंगजेब का मकबरा भाई, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। यह आपका औरंगजेब भी फिनिश हो चुका है। जो भी औरंगजेब में इंपॉर्टेंट था सारा लग गया, कुछ भी बाकी नहीं है। हाँ जी, कुछ बाकी नहीं रहा, औरंगजेब पूरा हो गया। औरंगजेब पढ़ लिया आज हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ा है वो एक बार देखें। चलिए भाई कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कौन सा पेज एक बार दोबारा करवाऊं, बता देना भाई एक बार समझा लूं। ये पेज समझाना है या ये, या फिर ये, या ये, या ये, या ये, या ये, या लास्ट पेज, ये सब कुछ समझ में आया है? तो मेरे हिसाब से तो भाई सब कुछ अच्छे से आप सभी को समझ में आया है। ये क्या है, सिग्नेचर भी अच्छे से नहीं कर पाते आजकल। पीडीएफ ये तो नहीं मिलेगा आपको, पीडीएफ ये नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने कितनी बार बोला कि जो चीज मैं लिख पा रहा हूँ उसको तो आप लिखिए, पीडीएफ की क्या जरूरत है। बिल्कुल वैशाली कह रही है, वैशाली तुम कहोगी आज, आज वैशाली की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ वैशाली क्या है, फालतू बातें करती है। वैशाली को तो केवल उसके बारे में जानना है और मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं। अच्छा, कम से कम नाम भी बता दो। तो भाई नाम कैसे बता दूं? अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो वो बदनाम सुना होगा आप लोगों ने। एक मिनट। हाँ औरंगजेब कंप्लीट है आपका, और
औरंगजेब की बात करें तो मतलब छोटे मोटे राजा पढ़ लें, मुगल काल में इतिहास राजा है नहीं, और उसके बाद हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो? देखो जब तक क्या है कि आप लोगों को कोई आदमी डीमोटिवेट नहीं करे तब तक अंदर से मोटिवेशन आना नामुमकिन है। माँ बाप सपोर्ट करें और दूसरे डीमोटिवेट करें तभी आप सक्सेसफुल हो। एक आग जो है सीने में बनती है, जैसे अगर मैं बात करूं तो कि लगी आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, कि लगी आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और अगर बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। हाँ, शायरी बड़ी अच्छी आती है मेरे को। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, कौन सी वाली? नहीं, अच्छा वो जरा गौर से बोले, कल वाली मतलब आप बोल रहे हो कल वाली, मैंने कहा कल का टॉपिक कल खत्म हुआ, फिर भी कल वाली शायरी की जरा गौर से देख वाली, कि जरा गौर से देख तू ही नहीं जमाना जवां है, कि जरा गौर से देख तू ही नहीं जमाना जवां है, और रंग रूप का घमंड मत कर कभी, सूरज ढल जाता है तू तो चीज ही क्या है। ठीक है भाई, धन्यवाद।